नमस्कार, दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय के बैठक अभी बैठ रहल, मेन विभाग सबके नेतृत्व के बारे में छलफल होखी। बढ़ते जा रहल जनघनत्व को व्यवस्थित करेला काठमांडू महानगर के नया योजना प्रस्तुत, नक्शा पास दस्तूर में 90% छूट देवे के निर्णय। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 9 जने कर्मचारी पर अख्तियार की कार्यवाही, राजनीतिक स्वार्थ से पदाधिकारी नियुक्ति कैला से भ्रष्टाचार बढ़ल, स्थानीय के आरोप। चांदनी आदमी पुगल 50वां वर्षगांठ विश्व भर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा, नासा अपोलो 11 मिशन के वीडियो देखौला। अललित स्मृति कप अंडर 18 चैंपियनशिप फुटबॉल के फाइनल खेल हो रहा, नेपाल पुलिस आ ब्रिगेड बॉयज खेल रहा। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बैठ रहल बा। पार्टी के मेन विभाग सबके नेतृत्व के विषय में छलफल करेला बैठक बुलावल गेल ह। इससे पहले बीतल सोमवार आ मंगर के दू अध्यक्ष के बीच भइल लंबा छलफल में पार्टी के मेन विभाग के नेतृत्व करे के बारे में सहमति होखे ना सकल रहे। सहमति मुताबिक 60-40 के भागबंडा मुताबिक 44 जिला में पूर्व एमाले आ 33 जिला में पूर्व ए माओवादी के तरफ से जिला इंचार्ज के नेतृत्व दिहल जाय। वही लेखा पूर्व एमाले के हिस्सा में पड़ल 5 विभाग के नेतृत्व के करी ओ बारे में आंतरिक सहमति इससे पहले ही हो चुकल बा। महोत्री के बाढ़ प्रभावित सब रेलवे ट्रैक के बास स्थान बनौले बा। भारत के जयनगर से महोत्री के बर्दीबास तक रेल चलावे के नेपाल सरकार के निर्णय मुताबिक बन रहल ट्रैक में बाढ़ पीड़ित मुसर समुदाय रह रहल बा। लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 डठौरा टोला के 162 घरधुरी मुसर आ उही टोला के मुस्लिम तथा अन्य दलित के 296 घर परिवार रेलवे ट्रैक में शरण ले रहल बाटे। लोग बाढ़ के बाद उ लोग जोखिम के जीवन बिता रहल बा। तकलीफ अब कथी करू तो नहीं कोई कहूँ सुनवाई लल की तो हम सब काम कर रोपे चल जाए चल जाए तो इतने दिन में 8 दिन में ये दवाई 5 किलो का चार दल की है वैसे कथी होती खाए लगी तो इतने मुश्किल है। 1 किलो 1.5 किलो का चूरा है मुझे पॉकेट है। बाढ़ पीड़ित के शौचालय पिए वाला पानी लगायत के अत्यंत जरूरी सुविधा के अभाव से विविध संक्रमण के जोखिम बढ़ गेल बा। इन्हें नगरपालिका बाढ़ पीड़ित के राहत पुनर्स्थापना के प्रयास कर रहल बतौले बा। बड़ी शक्ति भएको ठाउँ धरपट्टि नगरपालिकामै हो। अब यहाँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिर कतैबाट बाटो चाहिँ आउने अवस्था छैन। हाम्रो चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रम व्यापकमा हुँदैछ तर यहाँको मान्छेको जनजीवन एकदम कष्टमै बितिरहेको अवस्था देखिएको छ। बाढ़ से घरबार विहीन भइल लोक के लैका लैकी के स्वास्थ्य जोखिम से आधारभूत आवश्यकता पूर्ति करेला समस्या देखल गेल बा। काठमाडौँ महानगरपालिका 200+ जग्गा धनी एकीगो आवासीय भवन बनाबे के प्रस्ताव लेके आई त नक्सा पास दस्तूर में 90% छूट देवे के कहल गेल बा। काठमाडौँ के बढ़ रहल जनघनत्व में व्यवस्थित बसोबास खातिर महानगर नया योजना प्रस्तुत कैलख। महानगर पत्रकार सम्मेलन करके शहरी विकास तथा भवन मापदंड नीति अंतर्गत 200+ जग्गा धनी के सहमति में एकीगो आवासीय भवन बना सके के जनौले बा। 2-3 भन्दा बढि जग्गा धनीहरूको सहमतिमा एउटै आवासीय भवन निर्माण गर्ने गरी नक्सा पेश गरेमा नक्सा पास दस्तुर 90% छुट दिइनेछ। काठमाडौँ महानगर आर्थिक वर्ष 2076-77 खातिर 15,50,70,12,000 रुपियाँ बराबर के बजेट व्यवस्था करत 53 को शीर्षक में नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कैले बा। करीब 20 साल के बाद आए जनप्रतिनिधि सबसे स्थानीय तह में विकास आ समृद्धि आय कह के आशा कल गेल बा, लेकिन जनप्रतिनिधि के काम के तरीका से सप्तरी बासी परेशान हो गेल बा।
सप्तरी के बलान बिहुल गाउँपालिका के जनप्रतिनिधि कर्मचारी आ उपभोक्ता समिति विरुद्ध न्यायिक समिति अदालत आ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग में उजुरी परे लागल बा। करीब 20 साल बाद आइल जनप्रतिनिधि सब ना सेवा प्रवाह कर रहल बा ना आर्थिक पारदर्शिता ही देखा रहल बा। जनप्रतिनिधि केवल अपन भरण पोषण में लागल कहत अख्तियार से छानबीन शुरू कैला बाद गाउँपालिका में विकास निर्माण के काम लगायत बाकी क्षेत्र में भइल कमी कमजोरी दिन प्रतिदिन बाहर आ रहल बा। बलान बिहुल गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 टिकुलिया में रहल जनता राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल बिना बनौले ही रकम निकासा भइल खुलल बा। यस्तो के छ भने यो विद्यालय में तपाईको गत वर्ष में पनि तपाईको 74-75 में 5,00,000 रुपया गाउँपालिकाबाट बाउंड्री वाल बापत खर्च देखाएको छ महालेखा परीक्षणले। अनि यसमा के छ भने गाउँपालिकाले पनि सुकारे गरेछ मैले खर्च गरेको छु भनिरहेछ एकमुष्ट रकम दिएको छ। तर यहाँ हेर्दाखेरि बालबच्चाहरू यहाँ सबै चारैतिर बाउन्ड्री वाल पनि छैन अहिलेसम्म अनि बालबच्चाहरू पनि सबै यस्तै घुमी फिरिरहेछ अनि यसमा बकराहरू सबै चढिरहेछ। सदरमुकाम राजविराज से करीब 60 किलोमीटर के दूरी में रहल विद्यालय में बाउंड्री वाल निर्माण के खातिर रकम छुटियाल गई कह के विद्यालय के प्रधानाध्यापक आ स्थानीय सब समेत अनभिज्ञता प्रकट कैले बा। विद्यालय का अवस्था यस्तो छ कि यहाँ के पनि 5,00,000 भने छ कार्यवाही भए छ तर 5,00,000 के भए छैन फील्ड को माथि हेर्नु न तपाईले के भए छैन 5,00,000 को बाउंड्री वाल ना भइला से लैका लैकी के समेत त्रासपूर्ण अवस्था में विद्यालय पठाउ परे के बाध्यता खेपते आइल स्थानीय के कहना बा। उ लोग बाउंड्री वाल के खातिर खर्च भइल बजट बारे जानकारी कराउ खातिर मांग कैले बा। विद्यानंद राम सप्तरी। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति सहित 9 जने पदाधिकारी आ कर्मचारी के अख्तियार कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ौले बा। आर्थिक अनियमितता आ भ्रष्टाचार से धराशायी बनते जा रहल बीपी प्रतिष्ठान में नया नेतृत्व सक्षम लियावे पड़े के स्थानीय के कहना बा। बीतल अषाढ़ 31 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियार के 8,00,000 रुपया घुस सहित पकड़ाउ कैल हप्ता दिन ना बीतते ही पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बलभद्र प्रसाद दास सहित 8 जने विरुद्ध अख्तियार मुद्दा दायर कैले बा। राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से पदाधिकारी नियुक्त कैला से प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार आ अनियमितता बढ़ल। हिजोको दिनमा हामीलाई थाहा छ प्रत्यक्ष थाहा छ त्यहाँ बेसी आफू हुनको लागि विभिन्न किसिमको पावर सेक्सनहरूले काम गरिरहेको हुन्छ पोलिटिकल पावर होस् व्यक्तिगत पावर होस् विभिन्न किसिमको र आर्थिक रूपमा ठुलो हिनामिना ब्रिफकेसका ब्रिफकेस लिएर त्यहाँ चाहिँ भिसी बन्ने प्रक्रिया भएको कारणले त्यो ब्रिफकेसमा भरिएकोलाई फेरि उठाउनको लागि ब्याजको स्यास स्यासको उठाउनु परेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्रतिष्ठान भीतर ही नीति बनला के बाद आर्थिक चलखेल कैल स्थानीय के आशंका बा। अख्तियार सुधारोन्मुख काम कैलाक पर भी आवेला दिन में प्रतिष्ठान में नया पदाधिकारी दल सब के सिफारिश में नियुक्त करके प्रचलन रोके परे के जन प्रतिनिधि के मांग बा। यहाँ को कर्मचारी लगायत प्रतिष्ठान का पूर्व विसी रजिस्टर र पूर्व डाइरेक्टर जुन अख्तियारले जुन दर्ता गरायो स्वत खारिज त निलम्बित त हुनै पर्यो पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि एउटा सक्षम व्यक्तिलाई बिपीलाई हाँक्ने एउटा नयाँ एउटा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार आ आर्थिक अनियमितता से कमजोर होते गए प्रतिष्ठान के जोगाव खातिर स्वास्थ्य सेवा में दक्ष सक्षम आ प्रतिष्ठान के विकास करेवाला जनशक्ति के जरूरी बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में एनआईसी एशिया बैंक को चमत्कारी खाता आज गए आफ्नो पूरे परिवार को खाता खोली हालौं। नेपाल को नंबर 1 पीपीआर पाइप नेपाल टॉप सब ठीक ठाक पिछला समय राजनीतिक संरक्षण में रहल बिचौलिया के चलते आम उपभोक्ता सब भाव बढ़ला से मार में पड़ रहल बा। बाजार में खाद्यान्न तरकारी आपे पदार्थ के भाव दोबर बढ़ल कारण से सर्वसाधारण के दैनिकी कष्टकर बनल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के जेठ महीना तक के तथ्यांक के देखल जाए तो क्षेत्रगत रूप में काठमांडू सबसे महंगा शहर बनल बा। काठमांडू उपत्यका में 7.1% मूल्य वृद्धि भइल बा।
सबसे कम पहाड़में 5.7% मूल्य वृद्धि भइल बा। सरकारी अनुमान से ऊपर के तथ्यांक आइला के बाद बाजार इ तथ्यांक के माने खातिर तैयार नहीं खे। मूल्य वृद्धि के अंक और ऊपर बा। बाजार में काला बाजारिया सब के बिग बिगी बढ़ला के कारण बिचौलिया सब और मजबूत होते गइल बा। राजनीतिक झंडा बोकला के कारण बाजार और अराजक बन रहल बा। कृषक नाममा राजनीतिक दल छ, व्यवसायको नाममा राजनीतिक दल छ। दुबईमा व्यवसाय जुन व्यवसायी पनि छ, कृषकहरू पनि छ। तपाईँको त्यो दुईटैमा कसको हाबी छ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जसले छन्न बोक्छ तिनीहरू नै बिचौलिएको काम गर्दछ। न सर्वसाधारण कृषकले छन्न बोक्न बोकेको छ, न शुद्ध व्यापार गर्ने व्यापारीले छन्न बोकेको छ। नेपालकै उत्पादनकै 60% बजार हिस्सा कायम करेला तरकारी के भाव अभी भी अनेक बहानामे बढ़ रहल बा। सबे कर के मार सर्वसाधारण ऊपर थोपला से राज्य ही उपभोक्ता के जीवन कष्टकर करे खातिर आगे बढ़ रहल आरोप बा। उपभोक्ता जसमाथि सबै कर को भार थोपरिन्छ ती उपभोक्तालाई मार्ने मात्र जाने सरकारले, किनभने कर नेपालमा व्यवसायलाई लाग्दैन, व्यवसायीसँग कर लिन्छ। त्यो करको भार कसलाई पर्छ भने आम उपभोक्तालाई पर्छ, त्यो भार चाहिँ आम उपभोक्तामाथि चाहिँ लगाइन्छ। केन्द्रीय बैंक के मुताबिक जेठ महिनामे वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.2% रहल बा। वास्तवमे ई अंक 8.5% से ऊपर रहल उपभोक्ता के क्षेत्रमे काम करेवाला के दावी बा। भाव बढ़ला के कारण सर्वसाधारण के दैनिकी कष्टकर बन रहल समय दू तिहाई के सरकार ऐसे ही बैठल बा। कैमरामे प्रमन डंगोल के साथ हरिशरण न्यूपानी के रिपोर्ट, काठमांडू। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चांदमे आदमी पहिलका बार पुगल दिन के आज 50वां वर्षगांठ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। सन 1969 के जुलाई 21 तारीख में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन आ माइकल कोलिन्स चांद में पहिलका बार पहुंचल रहे लोग। उ लोग अपोलो 11 अंतरिक्ष यान मार्फत चंद्र सतह में उतरल रहे। अंतरिक्ष यान चांद में अवतरण कैल 6:39 के बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद में पैर रखले रहलन। आर्मस्ट्रांग चांद में पैर धरे वाला पहिलका मानव हवन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपोलो 11 मिशन के वीडियो फुटेज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके 50वां वर्षगांठ मनौले बा। 50 बरिस पहिले भइल ऐतिहासिक काम के साक्षी नया पीढ़ी भी बनो कहके नासा ईक्षण के वीडियो देखौला खा। अमेरिका सन 2024 तक में फेरु चांद में मानव भेजे के जानकारी देले बा। आप खेलकूद समाचार। चौथा संस्करण के ललित स्मृति कप अंडर 18 चैंपियनशिप फुटबल के उपाधि भिड़ंत आज हो रहल बा। सादोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्स में नेपाल पुलिस क्लब आ ब्रिगेड बॉयज क्लब के बीच अभी खेल हो रहल बा। मैदान में दोनों टोली उपाधि जीते के लक्ष्य के साथ उतरल बा। ब्रिगेड बॉयज साबिक के विजेता ह, पुलिस पहिलका बार फाइनल प्रवेश कैले बा। पुलिस सेमीफाइनल में जौला खेल यूथ क्लब के 3-1 गोल अंतर से हरा के फाइनल में पहुंचल ह। वही लेखा ब्रिगेड बॉयज सेमीफाइनल में मना सियांगदी क्लब के 7-1 गोल अंतर से हरा के फाइनल में पहुंचल बा। भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेकपा सचिवालय के बैठक अभी बैठ रहल, मेन विभाग सबके नेतृत्व के बारे में छलफल हो रहल। बढ़ते जा रहल जनघनत्व व्यवस्थित करेला काठमांडू महानगर की नया योजना प्रस्तुत। कक्षा पास दस्तूर में 90% छूट देवे के निर्णय। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के नौजने कर्मचारी पर अख्तियार की कार्यवाही। राजनीतिक स्वार्थ से पदाधिकारी नियुक्त कैला के भ्रष्टाचार बढ़ल स्थानीय के आरोप। चांद में आदमी पुगल 50वां वर्षगांठ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नासा अपोलो 11 मिशन के वीडियो दिखौलक। आललित स्मृति कप अंडर 18 चैंपियनशिप फुटबल के फाइनल खेल हो रहल, नेपाल पुलिस आ ब्रिगेड बॉयज खेल रहल।
एकै साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।